ये लोगों का दिल बहुत बड़ा है कि ये कह रहे हैं कि मैंने उनको नहीं लिया, आमिर खान को नहीं लिया, मैंने उनके ऑडिशन को दिया, मैंने रवि किशन को चूज। अच्छा, आपकी लाइफ से अगर आपको किसी को लापता करना हो, किसे लापता? द टैक्स डिपार्टमेंट। मैंने एक गाना किया था, लहंगा उठा दे मेरे रिमोट से, उसको मैं लापता करना चाहता हूँ। जब मैंने पढ़ा वो पहला सीन, इनका चेहरा आया मेरे मन में। एक्चुअली सटलिटी के किंग है ये। बहुत बोलते हैं ना, ये जिंदगी झंडवा, फिर भी ना ना वो ये तुमको देती नया रवि। आमिर का की भी यही सोच थी कि कोई फ्रेश रहेगा तो बिल्कुल रियल लगेगा, बहुत एकदम जेन्युइन लगेगा कि हम लोग 2001 कोई गांव में निर्मल प्रदेश में हैं। सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखें नम थी, कोई जोर से रो रहा था, मैं ज्यादा रो रहा था। अच्छा, मेरी फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में आज एक फिल्म ऐड हो गई और मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स की लिस्ट में आज एक नाम, और आप तो मेरे फेवरेट एक्टर का। थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले इंटरव्यू में फिल्म का रिव्यू, फैंटास्टिक फिल्म, आई वॉच्ड इट और मजा आ गया। वाह। कहानी मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा, नहीं तो फिर आप लोग मेरे ऊपर बम फोड़ोगे कि भाई आपने जो है रिवील कर दिया। सो आप ही बताओ कि तो ये फिल्म, मैं रवि किशन जिसको आपने कई सालों से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मेरे लिए ये फिल्म बहुत अहम इसलिए कि ये मेरी लॉन्चिंग फिल्म है, मैं कह सकता हूँ। ये फिल्म हिंदी अभी भी आपकी लॉन्चिंग फिल्म है हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा में नेवर गॉट लॉन्चिंग। मुझे लगता है अच्छे एक्टर्स जो हैं वो हमेशा यही कहते रहते हैं, अभी कुछ किया नहीं है। बीइंग हम्बल ना, बीइंग हम्बल। ठीक है, चलिए मान लेते हैं डेब्यूटेंट रवि किशन से हम बात करते हैं। मुझे बिगिनिंग से क्लाइमेक्स तक रखें, मैं हमेशा चाहता था कि मैं जो भोजपुरी सिनेमा को अपने कंधों पर लेके 450 फिल्म जहाँ सुपरस्टार बना, ऐसी कुछ जो मुझे अपनी शक्तियों को बारे में खुद पता है कि मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, मैं अनगिनत किरदार मैं निभा सकता हूँ और मैं कन्विंस करके आपको बांध के रख सकता हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया। लेकिन उसको हिंदी सिनेमा में, जो कि पूरे विश्व में लगेगी, वो नहीं हुआ। I'll be very honest, it's not modest, but I'm being honest कि मैंने चूंकि ये फिल्म देखी और देखने के बाद मैं भोपाल में एक शो था, रिलीज किया था हम लोगों ने जनता के लिए, और उसके बाद महसूस किया और मैंने इनको मैम को थैंक्स कहा कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। फिर मैं अपने आप को देख के बहुत खुश हुआ कि यहाँ रवि किशन, तुम बारीकियों से काम कर सकते हो अगर तुम्हें काम करवाया जाए, अगर अच्छी कहानी तुम पर मिले, विश्वास किया जाए तुम पर, तो तुम उसको निभाने की शक्ति रखते हो। तो मैंने ये महसूस किया लापता लेडीज़ में काम करके, जो मेरे फैंस को, दर्शकों को, किरण राव जी के फैंस को, आमिर खान के फैंस, जो आमिर खान, उनको पता है कि आमिर खान प्रोडक्शन डेफिनेटली कुछ तो नया देगा ही देगा, बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ। ये आपको कॉमेडी भी लग रही है, आपने टीजर मिलियंस में देखा जा रहा है, बड़ा पॉपुलर है, बहुत टीजर पसंद, ट्रेंडिंग है, और गाने अरिजीत सिंह के ट्रेंडिंग इस यूट्यूब पे भी ट्रेंड हो रहे हैं काफी, बहुत ही गानों ट्रेंड हो रहा है। सजनी, सजनी फिल्म में आता है तो बहुत प्यारा लगता है। जितने भी गाने फिल्म में आते हैं, फिल्म की पेस को तोड़ते नहीं, मतलब वहाँ आप ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है, मतलब टॉयलेट जाके आते हैं, टॉयलेट जाके आते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। जी जी जी। क्या स्क्रीनर पे तो हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन पूरी मैंने 2 घंटे में एक बार में देख ली। मैम 2 घंटे में आपने फिल्म निपटा दी, सबसे अच्छी बात है जी। 16-17 मिनट में फिल्म मुद्दे पे आ जाती है, ठीक है। सो हाउ यू थॉट ऑफ इट, आइडिया कैसे जनरेट हुआ था? तो ये कहानी जब मिली थी तो ये थोड़ा सीरियस थी, विप्लव गोस्वामी ने जो लिखी, लेकिन कहानी का जो एक पकड़ है, वो जो हुक है, वो मेन कहानी में वी केप्ट द सेम स्ट्रक्चर कि होता क्या है, 2 लड़कियां अदला बदली हो जाती है ट्रेन में तो फिर क्या होता है। पर बहुत अच्छा कहानी लिखा है विप्लव ने, बट उसको मुझे थोड़ा पेसअप और फनी और थोड़ा एडवेंचर जैसा, जो कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज रोड ट्रिप वाला फील, बट गांव में कैसे करें। तो स्नेहा देसाई ने स्क्रिप्ट लिखी, बहुत कमाल की राइटर हैं। दिव्या निधि शर्मा ने इनका कैरेक्टर पूरा लिखा है। सो ही क्रिएटेड मनोहर एज यू सी हिम, और वी वर कॉन्शियस दैट इसको वी हैव टू कीप इट फन, इट हैज़ टू बी अ फन राइड। सो राइटिंग में तो काफ़ी हमने वो कोशिश की, लेकिन एडिटिंग में जो पसीने छूटे हमारे, बिकॉज जैसे आपने कहा उसको एक्चुअली टाइट बनाना, टू मेक इट लाइक आपको लगना नहीं चाहिए कि ओके अभी बिल्कुल घड़ी नहीं देखनी चाहिए आपको, तो उसमें काफ़ी काम गया हमारा इन एडिटिंग। काफ़ी सारे मेरे पसंदीदा सीन्स काटे मेरे प्यारे कुछ लाइंस निकल गए, बहुत सारे अच्छी अच्छी। आजकल डीवीडी का ज़माना नहीं है, नहीं तो डिलीटेड सीन्स का भी तो वो था। आई गेस सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे सीन कटा इनका। एक बहुत फन एक छोटा सा कटा है कि वो चोर की गाय वाला। हाँ वो नहीं है, वो बहुत मजेदार है एक्चुअली। लेकिन ये जब भी स्क्रीन पे आते हैं मजा आ जाए। मतलब वो पहले ट्रेलर से ही आपके इतने मीम्स बन गए, आपको पता है बे उसपे इतने सारे मीम्स जो है बन गए कि कोई कुछ लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा, उसपे किसी किसी की फोटो लगा रहा, वो सुंदर है। और वो वैलेंटाइन डे पे हम इतने साल से ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक आज की डेट में जिसके मीम्स बन जाते हैं ना, फिर वो कहीं ना कहीं जेन जी कनेक्ट हो जाता है, उसको लगता है अच्छा इसमें हमारे लिए कुछ है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी कि न्यू कमर्स जो टीम कैरेक्टर्स हैं जी, उनके साथ आपको 1% भी लगा नहीं कि रिस्क होगा। फिल्म देखते हुए मुझे बिल्कुल मुझे लगा कि यार ये मतलब कितना जेलअप हो गए, तो हाउ यू एनविजन देम? एक एक्चुअली आमिर खान का होना इसमें एक बड़ा फायदा होता है डायरेक्टर को, क्योंकि प्रोड्यूसर जब आपके पीछे खड़ा होकर कहे कि नहीं डू इट योर वे एंड डू यू नो बी ट्रू टू व्हाट यू थिंक दिस फिल्म शुड बी, अपनी विजन के पीछे वो अपना पूरा दम लगा देते हैं, तो फिर आपको डर नहीं लगता है। आमिर खान की भी यही सोच थी कि कोई फ्रेश रहेगा तो बिल्कुल रियल लगेगा, बहुत एकदम जेन्युइन लगेगा कि हम लोग 2001 कोई गांव में निर्मल प्रदेश में हैं। तो उनके एक्चुअली एक तरह से he also knew that this story needs to land, you know, एक आपको you have to buy into it, right. और वो नए फेसेस से बहुत इजीली हो जाता है और इन एक्टर्स ने बहुत अच्छा ही काम किया है। तो या we were quite convinced कि कुछ फ्रेश करने के लिए कुछ फ्रेश फेसेस ही चाहिए। बट तब भी आपने उनको रिजेक्ट करके इनको मतलब मेरे लिए लाइन देखिए क्या बनेगी, किरण राव ने आमिर खान को रिजेक्ट किया। ये पूरी हेडलाइन पूरे देश में सर्कुलेट हो गई है, क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है, जिम्मेदारी अब मेरे सर पर और आ गई। तो आमिर खान के फैंस पूरे देश में पूरे विश्व में, और वो कहीं तो अब मेरे लिए चिंता का भी विषय है। इन्होंने तो बोल दिया, इन्होंने इनका क्योंकि दिल साफ है, इनके मन में कुछ रहता नहीं, जो महसूस करते हैं ये बहुत ऑर्गेनिक चीजों को ये तुरंत बोल देती है। इनका मैंने जो महसूस किया आपने जो महसूस किया आपने उसको, पर ये रोल इनके लिए लिखी गई थी आई फील लिटरली। जब मैंने पढ़ने पे पढ़ा एंड दिव्या निधि ने जब ही री रोट दिस कैरेक्टर ऑफ मनोहर, जब मैंने पढ़ा वो पहला सीन, इनका चेहरा आया मेरे मन में। और आमिर बहुत चाह रहे थे ये रोल करने, तो हम लोगों ने टेस्ट भी किया उनके साथ और बहुत अच्छा टेस्ट निकला उनका। ही इज अ अमेजिंग एक्टर, तो ही कैन बिकम एनीवन। तो वो बन गए थे श्याम मनोहर, पर कहीं उनको भी लगा और मुझे भी लगा कि इट्स अ स्ट्रेच, फिर भी आपको लगता है। और आपने देखी है ट्रॉपिक थंडर नाम की एक फिल्म है जिसमें आपको क्रेडिट्स तक पता नहीं चलता है कि टॉम क्रूज प्ले कर रहे हैं ये रोल, पर एंड तक बॉल्ड रियली बिग पॉन्च लेके क्या कमाल। तो उन्होंने आमिर सेड मैं टॉम क्रूज इन ट्रॉपिक थंडर हो जाऊंगा इसके लिए तो मैंने बोला फिर फायदा क्या है बड़े स्टार को लेकर, फिर आप इतना सब करेंगे कि वी कांट रिकग्नाइज यू, यू नो। और आमिर को भी फिर यू नो ही ऑल्सो फेल्ट कि एक तरह की जो जेन्युइननेस है, जो ऑथेंटिसिटी है और जो एक आई डोंट नो रस है इस कैरेक्टर का, ये पकड़ेंगे। उनको भी लगा कि ये हमसे बेहतर करेंगे। पान कितने खाए आपने? 160 160 याद है आपको? I was counting because मैं number of days मैंने पता किया, फिर मुझे पता था कि कितने सीन्स, because इनके एंगल्स ऑफ शॉट्स जो आपको इतनी सुंदर फिल्म लग रही है, उसके पीछे बहुत तपस्या है, उसके पीछे बहुत मेहनत इन्होंने की। रिटेक्स नहीं रहे लेकिन नंबर ऑफ शॉट्स बहुत रहे, जिसकी वजह से आपको हर किरदार की ब्यूटी, उसको प्रोफाइल, उसकी आंखें, हमारी जया जो मुख्य किरदार है उनकी आंखें आप देखिएगा, उसकी लाइटिंग। डीओपी हमारे यूएस में और एड्स फिल्म के बहुत बड़े कैमरामैन हैं, तो स्मॉल वर्क, लाइटिंग का पैटर्न, एवरीथिंग है, लॉट ऑफ डिटेलिंग, यू नो, लॉट ऑफ डिटेलिंग। सो वो जो चीज़ दिख रही है, वो साइकिल से गिरना रहा, वो नेशनल जो रहा, वो ट्रेन के शॉट्स रहे, और रेलवे स्टेशन पे रहा, वो पिन ड्रॉप, वो बैकड्रॉप में जो मैं श्याम बेनेगल जी के साथ सीखा था कि हमेशा वो बैकग्राउंड पे बड़ा, मैंने वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अप्पा की, और मैं उनको सेट पे देखता था कि वो बैकग्राउंड पर बड़ा गौर करते थे, वहाँ चाय बन रही कि नहीं, वहाँ धुआं जल रहा है कि नहीं, वो अग्नि डिटेलिंग, और ये उनकी चीज़ों में मैंने कहीं भी नुक्स, मैं बड़ा उसमें हूँ कि मुझे पीछे बहुत देखता हूँ कि पीछे क्या हो रहा है, और वो फिर एक चीज डिस्ट्रैक्ट होती है तो पूरी चीज फेक लगती है, पूरा स्क्रीन मुझे फेक लगता है, झूठ लगता है, और वो बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम सो मेनी मूवीज while watching it also I immediately disconnect myself. By the way, he doesn't watch his own movies, huh? ऐसा? No, नहीं. ऐसा क्या? But I disconnect, like my switch on, switch off है. मैं नहीं, मुझे अपने आप self अपने से इतनी मोहब्बत नहीं है कि मैं अपने टाइप में डूबा हुआ टाइप, वो है कि मुझे लगता है कर दिया, मैं नदी का पानी हूँ, फिर बहता रहता हूँ, फिर कहीं कुछ इन्होंने जैसे सजा दिया है, एक अच्छी डायरेक्टर मिल गई मुझे, मेरा सौभाग्य. एक एंटरटेनमेंट में हम लोग कितना कुछ दे जाएंगे. सिनेमा एक बहुत बड़ा साउंड है, देखिए जो काम सिनेमा करता है वो एक फ्राइडे को ही आपकी आवाज़, आपके मैसेज को पूरे देश में आत्मा तक पहुंचाता और आपको बदलने की बहुत बड़ी शक्ति रखता, आपको इफेक्ट भी बहुत करता. सिनेमा बहुत बड़ी शक्ति, और भारत का भोजन है क्रिकेट और सिनेमा, ये दो बड़ा प्रिय भोजन है पूरे भारत का. यू नो ये हम लोग का जीवन है, हमारी लाइफ लाइन है, हम लोग को सिनेमा चाहिए सुख दुख में. तो ये सारी चीज़ें नहीं, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, और मैं आई एम श्योर कि आप लोगों की ये फिल्म आप लोग भी अब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज भी आप लोग पढ़ रहे हैं, और 1 मार्च का सबको इंतजार है कि 1 मार्च को ये फिल्म आएगी, और चूंकि आपने देखी है तो आपको सब पता है मैं जब जो कह रहा हूँ, और आप भी उसको एहसास कर रहे हैं, यू नो. तो या किरण जी को, इन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इनका बड़प्पन है, इनकी मॉडेस्टी है, इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है कि ये कह रहे हैं कि मैंने उनको नहीं लिया, आमिर खान को नहीं लिया, मैंने उनके ऑडिशन को मैंने रवि किशन को चूज किया. इससे पता चलता है कि इन दोनों का व्यक्तित्व कितना बड़ा है, और ये दोनों मुझे बड़ा बनाना चाह रहे हैं कि मैं और भी सिनेमा वालों, आपने रवि किशन को नहीं लिया, ये काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स में है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिनेमा इनका ऑक्सीजन है, और ये एक्टिंग के लिए ही रवि किशन जाने जाते हैं. सांग में हमेशा अभिनेता से बने नेता जाना जाऊंगा, तो ये संदेशा अच्छा दे रही है पूरे सिनेमा इंडस्ट्री. अच्छा, आपकी लाइफ से अगर आपको किसी को लापता करना हो, किसे लापता? वाव, सोचने का लुक लाइफ. अच्छा, मेरे लाइफ से लापता करना, एक्चुअली मैं आई हैव वेरी गुड लाइफ यार, किसी को लापता करना नहीं है. I wish I could the person know, but like in some ways जो हम लोग को the tax department जो मुझे bills हर हफ्ते हर महीने मेरे ऑफिस से कहते रहते हैं कि send us your bills, I could tax department एक बार लापता हो जाए ना तो मजा आ जाए. सर, मैं किसको लापता करना चाहता हूँ बताइए. मैंने एक गाना किया था, लहंगा उठा दे रिमोट से, उसको मैं लापता करना चाहता हूँ. गजब, करेक्ट, आपने देखा होगा ना, देखिएगा, लहंगा उठा दे रिमोट से, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ. चलिए, लाइफ से इरेज कर देना, लापता, मैं इसको इरेज कर देना चाहता हूँ. इसका काइट सॉन्ग, काइट मतलब मैसिव, बट वो मैं इसको इरेज करना इस वक्त अभी चाहता हूँ, लापता. अच्छा, फिल्म की स्क्रीनिंग्स आप बहुत जगह कर रहे हैं, सिटी टूर्स यू आर डूइंग, एवरीवेयर यू आर गोइंग, वहां पे आप लोगों को पहले से फिल्म दिखा रहे हैं जी. ये कॉन्फिडेंस बहुत कम फिल्म मेकर्स में अक्सर क्या होता है कि फिल्म जब आती है तो एक एम्बार्गो नाम का वर्ड होता है कि इसका रिव्यू फ्राइडे को 11 बजे से पहले नहीं आउट होगा, ठीक है. बट हियर पीपल आर वाचिंग द फिल्म, पीपल आर राइटिंग अबाउट द फिल्म, सो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला किसी ऑडियंस से या कहीं स्क्रीनिंग हुई हो विच टच योर हर्ट कि यार ये तो मतलब मजा आ गया सुन के? एक्चुअली जब हम टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जाने वाले थे, उसी वक्त सबको लगा कि भाई टोरंटो से आप रिव्यूज रोक नहीं सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, लोग देखेंगे, रिव्यूअर्स देखेंगे, तो उस वक्त से वी वर रेडी फॉर रिव्यूज, और मुझे लगा कि ये फिल्म एक्चुअली आमिर की ये एक आइडिया थी कि वर्ड ऑफ माउथ इज योर बेस्ट मार्केटिंग इन दिस केस. जब फिल्म हम लोग व्हेन वी लाइक द फिल्म वी फील इट्स अ गुड फिल्म और छोटी बजट की फिल्म है तो देयर इज नो बेटर वे टू मार्केट इट. तो कॉन्फिडेंस था इन दैट सेंस. वी थिंक इट्स अ गुड फिल्म एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट रिलैक्सड अबाउट लेटिंग. आई स्पेशली फील ना फिल्म जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरह से इंडस्ट्री ट्रीट करती है क्योंकि डर लगता है. जाहिर सी बात है कि डर लगता है कि कोई बुरा रिव्यू ना लिख दे और फिर आपके इट्स अ बिजनेस थिंग एंड मोस्ट पीपल फील वरीड दैट यू नो इम्पैक्ट होगा फर्स्ट डे पर. उसी कुछ वन डे बिफोर भी नहीं दिखाना या उसी दिन देख के झटपट रिव्यू लिखना इज नॉट नाइस. आई रियली फील यू शुड शो इट टू पीपल. वो एम्बार्गो का वर्ड भी यूज करिए कि आप देखिए आराम से, शांति से. बुरा भी लिखना है तो शांति से लिखिए, यू नो. पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई इन टोरंटो टू क्लैप इन बोथ माय स्क्रीनिंग्स, यू नो. एंड लाइक दे क्लैप्ड टिल आई केम ऑन स्टेज एंड तो दैट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यू नो. एंड ऑल दीज टाइम्स जब देख रहे थे तो अपने काम में बुराइयां ढूंढ रहे थे कि यू नो एक तरह से पूरी फिल्म फिनिश्ड. सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखें नम थी, कोई जोर से रो रहा था, मैं ज्यादा रो रहा था. दिस न्यू एक्टर्स दे वर क्राइंग. शी इज अ स्ट्रांग लेडी तो, लेकिन उनकी आंखें भी एकदम हिली थी उस वक्त. And मैंने देखा entire theater was crying. Really, honestly, that he was so moved by the film, you know. बहुत अच्छा लगा मुझे तो यही कॉम्प्लीमेंट. She surprised me कि ये लो रवि किशन. बहुत बोलते हैं ना ये जिंदगी झंडवा फिर भी ना ये तुमको देती नया रवि किशन. ही इज अ वेरी एक्चुअली सटल्टी के किंग है ये. मुझे लेते ही लोग को लगता कि बंदूक लेगा हाई स्पीड में चलेगा, बट दिस नजाकत लाइक दिस बहुत जुलाहे की तरह सुई धागे वाला काम भी आता है. ये इन्होंने बताया कि नहीं अरे तुम लोग किधर उलझे हो इतने साल से, एक अलग ही देती हो रवि किशन, ये तो तुम लोग देखे ही नहीं हो. कहीं ना कहीं उनके अंदर है जो निकल के आया. एंड आई थिंक इट्स अ टीम दैट मेक्स अ गुड फिल्म. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you, Aamir. That was so much fun. That was great fun. I think the film will do very well in cinemas. And word of mouth तो आपको इतना शानदार मिल ही रहा है. जी जी. Thank you so much. Thank you.